हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम देखेंगे एलकेजी हिंदी सिलेबस। एलकेजी में बच्चों को सबसे पहले स्वर सिखाए जाते हैं, अ से अह तक। इसमें बच्चों को स्वरों को पढ़ना, लिखना और उनका पहचान करना और उनसे संबंधित चित्रों को बच्चों को बताया जाता है, जैसे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईट, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊट, ऋषि ऋषि, ए से एडी। इस तरह से अह तक बच्चों को स्वर पढ़ाए जाते हैं ओरली, उनके पहचान बताई जाती है, उनसे संबंधित चित्र बताए जाते हैं और फिर उनको लिखना बताया जाता है। इस तरह से बच्चों को स्वर लिखवाए जाते हैं। स्वर सिखाने के बाद बच्चों को व्यंजन सिखाते हैं क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक वर्णमाला में बच्चों को रीडिंग, ट्रेसिंग, राइटिंग, आइडेंटिफिकेशन और उनसे संबंधित चित्र बताए जाते हैं, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी, च से चम्मच। इस तरह से बच्चों को ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक तक सिखाया जाता है और लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट है जोड़े मिलाओ। जोड़े मिलाओ में बच्चों को सिमिलर वर्णों को, समान वर्णों को मिलान की एक्सरसाइज दी जाती है, जैसे अ क ख ख अ क। जैसे बच्चों को अ से अ को मिलाना है, क से क को मिलाना है, ख से ख को मिलाना है। इस तरह से समान वर्णों के मिलान की एक्सरसाइज दी जाती है। चित्र पहचानों की एक्सरसाइज दी जाती है। इसमें चित्र को देख के बच्चों को अक्षर का नाम लिखना होता है या अक्षर से मिलान करना होता है। खाली स्थान भरो में बच्चों को कटवा वर्णमाला सिखाई जाती है, जिसमें कि कुछ वर्ण लिख दिए जाते हैं और कुछ में खाली स्थान छोड़ के बच्चों को लिखने को दिया जाता है। बच्चों को अच्छे से स्वर और व्यंजन सिखाने के बाद में उनको दो अक्षरों के शब्द सिखाने लगते हैं, जैसे चल चल, तन तन, शट शट, फन फन। ऐसे बच्चों को पिक्चर से दो दो अक्षर के शब्द बनाने सिखाए जाते हैं, नल नल, पर पर। ये बच्चों को सिखाया जाता है। दो अक्षर के शब्द सीखने के बाद में बच्चों को तीन अक्षर के शब्द सिखाए जाते हैं, कलम कलम, लटक लटक। ऐसे चित्रों की सहायता से कलश कलश, नयन नयन। इस तरह से बच्चों को दो अक्षरों के शब्द, तीन अक्षरों के शब्द सिखाते हैं। उसके बाद में सुलेख दिया जाता है, जिसमें कि उनको इस तरह से सुलेख में बच्चों को पहले ट्रेसिंग करके लिखना होता है, फिर खुद को लिखना होता है। तो बच्चों के सुलेख की बुक होती है। बच्चों को एक से दस तक गिनती हिंदी में बोलना सिखाया जाता है, एक दो तीन चार पाँच। इस तरह से काफ़ी सारी कविताएं बच्चों को सिखाई जाती है ओरली बोलना, जैसे हाथी राजा, बारिश आई बारिश आई, आलू कचालू। इस तरह की कविताएं बच्चों को हिंदी में ओरली बोलना सिखाए जाते हैं। कहानियाँ पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है। फल सब्जी फूल रंग पशु वाहन के नाम, बच्चों को पांच पांच ओरल ही फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, रंग के नाम, ये जैसे लाल पीला हरा, सेब आम केला नाशपाती, इस तरह फलों के नाम, ऐसे पांच पांच नाम बच्चों को याद करवाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को सबसे पहले स्वर सिखाए जाते हैं अ से अह तक, व्यंजन सिखाए जाते हैं क से श्र तक, श्र से श्रमिक। बच्चों को ओरल स्वर और व्यंजन सिखाने के बाद में उनको ऐसे लिखना सिखाया जाता है। इस तरह से पहले बच्चों को ट्रेसिंग करने को देंगे, उसके बाद में लिखने को देंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।